ये सैमसंग का मोबाइल है। इस वीडियो में हम बताएं कि इसका पिन पैटर्न पासवर्ड कैसे हटा पाइएगा और इसके FRP कैसे हटा पाइएगा। आप वीडियो पूरा देखिए। हम हार्ड रिसेट और FRP दोनों करके इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस मोबाइल को पहले हम हार्ड सेट करते हैं। तो वैल्यूम पहले आपको डाटा केबल लगा लेना है लैपटॉप चार्जिंग से, उसके बाद से वैल्यूम प्लस और पावर की आपको प्रेस करना है। देखिए सैमसंग गैलेक्सी A50 है, उसके बाद से आपको वैल्यूम प्लस दबाए रखना है और पावर की आपको छोड़ देना है। देखिए सैमसंग गैलेक्सी A50 है, उसके बाद से देखिए रिबूट का ऑप्शन फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ गया, उसके बाद से माइनस वाला क्लिक करना है। वैल्यूम माइनस वाला क्लिक करने के बाद से नीचे आएगा, जैसे वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट आएगा, उसके बाद से आपको एक बार पावर की आपको दबा देना है। जैसे एक बार पावर की आप दबाइएगा, उसके बाद से देखिए मोबाइल को कन्फर्म करने के लिए वैल्यूम माइनस और फिर पावर की आपको दबाना है। दबाने के बाद से देखिए मोबाइल फॉर्मेट होने लगा। फॉर्मेट होने के बाद से आपको एक बार रिबूट करना है, तो आपको दोबारा पावर की आपको प्रेस करना है। जैसे ही पावर की आप प्रेस कीजिएगा, ये मोबाइल ऑटोमेटिक रिबूट होने लगेगा, उसके बाद से आपका मोबाइल खुलने लगेगा। तो देखिए अगर आपके पास भी सैमसंग का A50 मोबाइल आता है गैलेक्सी, तो उसको अगर हार्ड रिसेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लैपटॉप से चाहे कनेक्ट कर दीजिए डाटा केबल, चाहे चार्जिंग से आप डाटा केबल कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद से आप हार्ड रिसेट कीजिएगा, 100% होगा। अगर बिना डाटा केबल चार्जिंग से लगाए अगर हार्ड रिसेट करिएगा, तो इसका हार्ड रिसेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप बिना चार्जिंग में लगाए मत कीजिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही परेशान होंगे। आप चार्जर से डाटा केबल कनेक्ट कर दीजिए मोबाइल को, नहीं तो लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए, 100% जो टिक हम बताएंगे ऐसे काम करेगा और हार्ड रिसेट होगा। तो आप वीडियो बन रही है, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए मोबाइल स्टार्ट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में हम आपको FRP का बताएंगे, 4 मिनट की वीडियो है, आप पूरा देखिएगा। आपके पास भी अगर ऐसे मोबाइल आता है, तो उसका भी आप FRP पास कर पाइएगा बहुत ही आसानी से। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए मोबाइल खुला, सैमसंग मोबाइल कभी भी थोड़ा समय लगता है खुलने में। खुलने के बाद से देखिए हम आपको FRP पास भी दिखाएंगे। देखिए मोबाइल खुल गया, खुलने के बाद से देखिए FRP का ऑप्शन आ गया। तो इस वीडियो में बन रही है, हम इसका FRP पास करके भी दिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए हम अभी स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद से इसका FRP पास भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद से देखिए बैक कर दिए। दोबारा हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से देखिए आप देख सकते हैं नीचे ये सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग गैलेक्सी A50। उसके बाद से जितना है सब पे टिक करना है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा, सबसे नीचे स्पेस का ऑप्शन आया है, आप स्पेस पर क्लिक करना है। वाईफाई नेट कनेक्ट करना है, स्पेस पर क्लिक करना है। उसके बाद डू नॉट कॉपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही डू नॉट कॉपी पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोबारा मोड एक्सेप्ट, उसके बाद से स्पेस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप चाहें तो आप पिन पैटर्न पासवर्ड लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्पेस का ऑप्शन आ गया, उसके बाद से प्लीज वेट का ऑप्शन आया है, प्लीज वेट का ऑप्शन आया, उस पर से स्पेस का ऑप्शन आ गया, स्पेस का ऑप्शन आ गया, उसे फिनिश करना। जैसे फिनिश पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से मोबाइल FRP पास हो जाएगा और खुल जाएगा। देखिए मोबाइल खुलने के लिए तैयार हो गया। ओके ओके एग्री करना है, जैसे ही एग्री कीजिएगा ये मोबाइल खुल जाएगा। देखिए इसका FRP पास हो गया। तो हमने बताया था कि इस वीडियो में हम आपको FRP पास और हार्ड रिसेट दोनों का काम बताएंगे। तो चलिए हम आपको हार्ड रिसेट और FRP पास करके दिखा दिया। आपको सेटिंग में ले चलते हैं, और सेटिंग में ले चलने के बाद हम आपको मॉडल नंबर दिखाते हैं कौन सा मॉडल है। आपको लाइव प्रूफ हम FRP बाईपास करके दिखाएंगे। देखिए सैमसंग गैलेक्सी A50 है।